दोस्तों आप भी अगर ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं, कंफर्म सीट लेना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में पेटीएम एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक करने का ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूं। एक टिकट मैं यहां पे लाइव बुक करके दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है और थोड़ा सा जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पे एक सेक्शन दिखेगा टिकट बुकिंग का। इसमें आपको पहला दूसरा ऑप्शन छोड़ करके तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा ट्रेन टिकट का, इसके ऊपर क्लिक करना है। और आप देख लीजिए हम आ चुके हैं पेटीएम ट्रेवल के ऊपर, जहां पे आपको तीसरा ऑप्शन ट्रेन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देख लीजिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ से कहाँ तक का टिकट बुक करना चाहते हैं, तो फ्रॉम और टू में आपको स्टेशन एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल मुझे टिकट चाहिए समस्तीपुर से, तो यहाँ पे मैं समस्तीपुर टाइप कर रहा हूँ, तो ये आ चुका है समस्तीपुर जंक्शन, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है जाना कहाँ है, तो वो आपको एंटर कर देना है। तो मुझे जाना है बरौनी, तो बरौनी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देख लीजिए अगला पूछा जा रहा है डिपार्चर डेट, यानी कि किस डेट को आप यात्रा करना चाहते हैं, किस डेट का आपको टिकट चाहिए, तो यहाँ पे कुछ डेट दिखाए जा रहे हैं, इसे इग्नोर करना है, डायरेक्टली कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए जिस डेट में आपको टिकट चाहिए वो डेट सेलेक्ट कर लेना है। मुझे चाहिए 1 नवंबर का टिकट, तो हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट डेट के ऊपर नीचे क्लिक कर देता हूं। अब देख लीजिए नीचे तीन ऑप्शन है, एसी नॉन एसी और एसी ओनली और नॉन एसी ओनली, तो मैं यहां पे एसी नॉन एसी में सेलेक्ट करने वाला हूं और सर्च ट्रेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देख लीजिए जहां से जहां जाने तक का जिस डेट में आपने टिकट सर्च किया है उस डेट में चलने वाले जितने भी ट्रेन है सबका लिस्ट यहाँ पे खुल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है। देखिए दोस्तों इस पेज के ऊपर आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए सिर्फ तीन चीजें ध्यान में रखना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। सबसे पहला देखना है कि ट्रेन कितने घंटे में पहुंचा रहा है आपको, ठीक है, सभी ट्रेन का अपना अपना टाइमिंग है। दूसरा आपको देखना है कि ट्रेन कितने बजे हमारे स्टेशन के ऊपर मिलेगा और कितने बजे उस स्टेशन के ऊपर पहुंचाएगा जहां हमें जाना है। सभी ट्रेन का डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ ट्रेन का नंबर और ट्रेन का नाम यहीं पे आप देख पाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि सीट खाली है या नहीं, ठीक है, कोशिश करिएगा कंफर्म सीट लेने का, वेटिंग का झमेला में नहीं पड़िए। तो मान के चलिए इस ट्रेन में हमें टिकट चेक करना है, तो चेक इलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीट रिफ्रेश होकर के आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से थर्ड एसी में भी चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं स्लीपर क्लास में 102 सीट खाली है, जो कि स्लीपर क्लास में टिकट लेना चाहूं तो ₹145 पर टिकट हमें लगने वाला है। अभी देख लीजिए दोस्तों IRCTC का वेबसाइट बंद हो चुका है क्योंकि टाइमिंग है 11:40 रात का। और आपके जानकारी के लिए बता दूं IRCTC 24 घंटे नहीं चलते हैं, कुछ इनका डाउन टाइम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एवरीडे रात को 10:40 में इनका वेबसाइट बंद हो जाता है और दोबारा चालू होता है 12:20 में, यानी कि 24 घंटे में 40 मिनट आप टिकट नहीं बुक कर पाएंगे रात को। इसके अलावा एक और टिप्स मैं देना चाहूंगा, तत्काल बुकिंग के समय आप नॉर्मल बुकिंग ना करें, क्योंकि तत्काल के समय बहुत ही भीड़ होता है, उस समय बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि आपका पेमेंट फेल हो जाए, आपको टिकट भी ना मिले और रिफंड मिलेगा 1 हफ्ते बाद। इसीलिए तत्काल का जो टाइमिंग है 10 बजे एसी के लिए और 11 बजे नॉन एसी के लिए, तो आप भी एग्जैक्ट 10 और 11 बजे 5 मिनट तक आप बुक ना करें। चलिए अब 12:20 के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों डाउन टाइम खत्म हो चुका है, रात के 12:31 हो चुका है, वेबसाइट फुल्ली लाइव हो चुका है। थर्ड एसी को मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं जितने भी सीट खाली है यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जहाँ पे अगले डेट में RAC भी है और कुछ डेट में अवेलेबल भी है, और थर्ड एसी का ये टिकट ₹505 में हमें मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप अपने हिसाब से जिस भी स्टेशन का टिकट बुक करना चाहे कर सकते हैं। तो मुझे स्लीपर में टिकट चाहिए, तो फिलहाल मुझे इसमें टिकट बुक करना है, यानी स्लीपर में बुक करना है, ₹145 लगेगा, इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे IRCTC का ID मांगा जा रहा है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी ID है तो यहाँ पे एंटर कर देंगे, या फिर 2 मिनट के अंदर कैसे ईमेल और मोबाइल OTP के थ्रू इंस्टेंट IRCTC का ID पासवर्ड बना सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, देकर के अकाउंट बना सकते हैं IRCTC में। आपके जानकारी के लिए बता दूं इंडिया के अंदर किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपके पास IRCTC का ID होना चाहिए। चलिए ID डाल के प्रोसीड करते हैं। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फ्री कैंसिलेशन का, लेकिन अगर मैं इस फ्री कैंसिलेशन वाले ऑप्शन को यस करता हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा, इसका फायदा यह होगा कि कल को अगर मैं टिकट को कैंसिल करूंगा तो फुल रिफंड हमें मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया हूं। और थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं ट्रेवलर डिटेल का ऑप्शन आ चुका है, एड न्यू ट्रेवलर के ऊपर क्लिक करना है। मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं से टिकट बुक करता हूं, तो मेरा डिटेल ऑटोफिल आ चुका है, मैं चाहूं तो इसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकता हूं, या आप एड ट्रेवलर के ऊपर क्लिक करेंगे इस प्रकार से डिटेल खुल जाएगा। सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फुल नेम डाल देंगे, उम्र डाल देंगे और बर्थ प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, और सेव के ऊपर क्लिक करना है। चलिए तो मैं
अपना सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद अंत में आप देखेंगे तो IRCTC का ऑफिशियल इंश्योरेंस जो कि सिर्फ 45 पैसे में मिलता है, तो इसे आप ले सकते हैं। मैं भी हमेशा इसे टिक रखता हूँ और सारा कुछ फिल करके प्रोसीड टू बुक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए इस पेज के ऊपर सारा डिटेल आपको रिव्यू कर लेना है, ट्रेन डिटेल, पैसेंजर डिटेल और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सारा कुछ चेक कर लेना है और प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और अब हम आ चुके हैं फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर जहाँ पे हमें किसी भी माध्यम से पेमेंट कंफर्म करना है। UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI, बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी माध्यम से हम पेमेंट करेंगे कंफर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है, यानी पेमेंट कंफर्म हो चुका है। अब देख लीजिए बोला जा रहा है यहाँ पे IRCTC का पासवर्ड डालिए और ये जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करना है और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, जो कि 7 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। और ये हमने पासवर्ड भी डाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बुकिंग सक्सेसफुल हो चुका है। टिकट का सबसे मेन चीज होता है PNR नंबर जो कि हमें मिल चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कोच डिटेल भी आ चुका है, S1 में 35 नंबर हमारा सीट है, पैसेंजर डिटेल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जस्ट हमें ईमेल के ऊपर भी नोटिफिकेशन मिल चुका है टिकट का, या आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड टिकट के ऊपर क्लिक करके टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमने डाउनलोड कर लिया और सेव के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और एक बार मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये रहा हमारा ऑफिशियल ट्रेन टिकट जो कि अभी हमने जस्ट पेटीएम से बुक किया है। ये आप देख सकते हैं कंफर्म टिकट है, S1 बोगी नंबर है, 35 नंबर हमारा सीट हुआ है। और आपके सहूलियत के लिए बता दूं ये टिकट को किसी के भी व्हाट्सएप के ऊपर भेज देना है ताकि ये टिकट आपके व्हाट्सएप के ऊपर सेव हो जाए, तो और जब भी यात्रा करेंगे तो तुरंत व्हाट्सएप में से निकाल के TT को दिखा दिया अगर वो डिमांड करते हैं तो। अदरवाइज मान के चलिए आपने यहाँ से टिकट बुक किया और यहाँ से बैक आ गए तो फिर दोबारा कैसे आप यहाँ से टिकट देख पाएंगे या डाउनलोड कर पाएंगे या कैंसिल कर पाएंगे, चलिए वो भी मैं जस्ट बता देता हूं उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। मान के चलिए इस तरीके से बैक आ गए, दोबारा से हम इसी एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, टिकट बुकिंग वाले सेक्शन में ट्रेन टिकट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रेन बुकिंग डैशबोर्ड के ऊपर मैं आ चुका हूं, लेकिन आपको माय बुकिंग के ऊपर नीचे क्लिक करना है। उसके बाद आपके जितने भी बुकिंग रहेंगे सब खुल के आ जाएगा, इसके ऊपर मैं टैप करता हूं तो यहीं से आप दोबारा मैं टिकट को डाउनलोड कर सकता हूं, कैंसिल वगैरह कर सकता हूं। अंत में आपके फायदे की बात कर लेता हूं, अगर आपके पास SBI IRCTC क्रेडिट कार्ड होता है तो आप 10% का कैशबैक ले पाएंगे ट्रेन टिकट बुकिंग के ऊपर, तो मेरे हिसाब से बेस्ट कार्ड है जो कि फ्री एयरपोर्ट लाउंज जैसा फैसिलिटी भी देता है। सिर्फ 500 रुपये में ये कार्ड आपको मिल जाएंगे जो कि कार्ड बन के आएगा और पहला बिल में आपको 500 रुपया एड होकर के आएगा जिसे आपको ड्यू डेट को पे करना है, यानी कि बिना अपने जेब से कुछ पैसा दिए ही इस कार्ड को बनवा सकते हैं सिर्फ अपने सिविल के बेसिस पे। और 2 मिनट का वीडियो KYC होने वाला है, बस कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह नहीं लगने वाला है, ऑनलाइन घर बैठे आप बना पाएंगे। कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।